आज हमार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा उकर निर्देश पे कांग्रेस भरोसा यात्रा के आयोजन हमार आरंग विधानसभा में करे रहन और माता कौशल्या के नगरी चंदखुरी से यात्रा के प्रारंभ हमन करे हन और उकर बाद पूरा विधानसभा के लगभग 37 किलोमीटर के विभिन्न ग्राम के यात्रा करते हुए हमार सरकार की योजना के बारे में जानकारी देते हुए सरकार जो अच्छा काम करे है जनता वाला ये कांग्रेस पे भरोसा है एकर जानकारी बताते हुए आज हमन महामाया के नगरी और मंदिर के नगरी में आके एकर समापन करे हैं। आज आप देख ले हमार कार्यकर्ता में अतका उत्साह है कि कई हजार मोटरसाइकिल कतको गाड़ी और हमार कतको हजारों कार्यकर्ता आज एक साथ बरसात होने के बाद भी और आंधी तूफान आए के बाद भी धैर्य उत्साह के साथ का ये भरोसा के यात्रा में शामिल हुए वो सब साथी लम्हा बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज के कार्यकर्ता के उत्साह ऐसे हुए कि अब ये दिक्कत है कि हमार फिर 2003 में भूपेश बघेल के सरकार पे भरोसा है और फिर नवंबर में जो चुनाव होगी वहाँ भारी बहुमत से हमार कांग्रेस पार्टी जीत के आई ऐसे हमार क्षेत्र के कहना है और एक के कहना ये भी है कि केंद्र के नरेंद्र मोदी के सरकार भी हमला ठगे हैं चाहे वो महंगाई के नाम में हो चाहे रोजगार के नाम में हो चाहे महिला मन के बारे में हो चाहे युवा मन के बारे में हो वो ठगे के काम करे है। तो 2024 में भी जब चुनाव हो ही वो भी कांग्रेस के सरकार बनाना है इसे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मन ठान ले हुए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आवत है अभी चुनाव आते तब मतलब छत्तीसगढ़ याद आते पौने पाँच साल तो नरेंद्र मोदी जी नहीं है इस अब चुनाव आवत है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी गांव गांव घूमते हैं लेकिन यह छत्तीसगढ़ के जनता के कोई काम तो करे हमार जो राज्य के योजना के पैसा है केंद्रीय पैसा मिलना चाहिए जो GST के पैसा 10,000 करोड़ से ज़्यादा है प्रधानमंत्री आवास के पैसा इसने 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है प्रधानमंत्री जी आवत है उकर स्वागत है लेकिन हमार छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो जनता के पैसा है ओला दे के घोषणा तो करे ओला पैसा ला दे यहाँ झूठ लबारी मार के चल देते लेकिन जनता के कोनो कामों में नहीं करे वास्तव में जो जनता के काम करने वाला पार्टी हो कांग्रेस पार्टी है एकर ऊपर जनता के भरोसा है ये चीज़ ला जाना थे आप देखे हो इकर परिवर्तन यात्रा चलात रही से अभी परिवर्तन यात्रा हमार दंतेवाड़ा से माई दंतेश्वरी के यहाँ से चालू करत रही ने मना लेकिन हमार अमित शाह जी के हवाई जहाज दिल्ली में खड़े रही फर्राटा भरत आने पर तैयार बैठे रही से लेकिन यहाँ जनता ओला सुनना नहीं चाहत रही से भीड़े इकट्ठा नहीं हो तो ओला भीड़े इकट्ठा नहीं हो जब फ्लॉप हो गए होकर यात्रा तो अमित शाह जी अपन आना कैंसिल कर दीस और स्मृति ईरानी ले भेज दीस कि जा कोनो नहीं आई कह के बोल ही छत्तीसगढ़िया मना भाजपा वाला मना तो वही सब देखीस कि वो कर आए के बाद भी भीड़ नहीं है तो एयरपोर्ट वाला भाग गए एयरपोर्ट से वापस चल दीस तो आज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम फ्लॉप होते और सब जान गए कि भारतीय जनता पार्टी से धोखा देने वाला पार्टी है और कांग्रेस पार्टी भरोसा करने वाला पार्टी है तो आज कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करते काकरो आए जाए से छत्तीसगढ़ में फर्क नहीं पड़े चाहे OED भेजा चाहे CD भेजा चाहे कहीं भेजा उकर से छत्तीसगढ़ के जनता लग कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सब जान गए कि ये समय भूपेश बघेल के सरकार बनाना है और दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। देखो भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावना से खिलवाड़ करे के काम करते जाति और धर्म से धर्म के नाम पे लड़ाई के काम करते तो कर तो ही काम है सब काम ऐसा करी जनता असंतोष जनता में असंतोष हो गए जनता एक दूसरे से लड़ाई करे जैसे अंग्रेज मन रही से अंग्रेज मन का करे एक भाई दूसरे भाई से लड़ाए एक राजा दूसरे राजा से लड़ाए डिवाइड एंड रूल फूट डालो राजनीति करो फूट डाले और राजनीति करे वही काम आज भारतीय जनता पार्टी करे थे फूट डालो और राजनीति करो लेकिन अब जनता समझ गए जैसे कांग्रेस पार्टी अंग्रेज मनला यहाँ से भगाइस ओसने भारतीय जनता पार्टी के राज अब खत्म हो गए फिर कांग्रेस के सरकार के राजा ही एक आठ अब नहीं चले
आप देखो भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, ना कोई नेता है, तो का करी विधायक मन के प्रत्याशी नहीं मिलते, तो सांसदे मन लड़ाई के काम चलते। मध्य प्रदेश में भी देख ले, 10-12 जन सांसद ल टिकट दे, छत्तीसगढ़ में एक जन दे और टिकट मिलने वाले तो हम कई जन सांसद मन के नाम हवे, तो इकर मन ये मन ल जनता नकार चुके है। एकर सती आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कौन ल खड़ा करते नहीं करे वो ओकर ओकर पार्टी के मामला है, लेकिन हमार पार्टी में जेला पार्टी टिकट देते थे जीत के आते, और यहाँ ला शिव ढहरिया मजबूत है, चिंता करे की जरूरत नहीं है।